हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योर जोशी सर. आई होप यू ऑल विल बी ग्रेट एंड आई एम आल्सो फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर पोएम माय मदर एट 66 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो क्लास 12th. एंड एज यू कैन सी द टाइटल ऑफ द पोएम माय मदर एट 66, लेखक जो है, जो पोएट है, वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि उसकी माँ 66 साल की हो गई है. शी इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस हर सोरो अबाउट हर एजिंग मदर. ठीक है, अपनी बूढ़ी माँ के प्रति अपनी जो सोरो है उसको एक्सप्रेस कर रही है कि सी माइट डाई एट एनी टाइम एंड सी इज़ शोइंग हर सोरो, हर सैडनेस ऑन हर डिपार्चर. उसके उससे अलग होने की जो सेपरेशन है उस पर अपना दुख प्रकट कर रही है. तो जो राइटर है वो कमला दास है एंड द राइटर ऑफ द पोएम इज़ कमला दास. सी वॉज बॉर्न इन 1934 एंड डाइड इन 2009. सी ऑल्सो राइट्स इन मलयालम. ठीक है, वो मलयालम में भी लिखती थी एंड सी वॉज अ पोएट, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. सी राइट अंडर द पेन नेम ऑफ मधवी कुट्टी. पेन नेम का मतलब होता है अडोप्टेड नेम, जिसको अपनी राइटिंग में अडोप्ट करती थी. सी वॉज फॉरमोस्ट इन इंग्लिश पोएट ऑफ इंडिया. भारत के अग्रगामी लेखकों में से, राइटर्स में से हैं, पोएट में से हैं. हर राइटिंग्स एक्सप्रेसेस ओरिजिनेलिटी एंड वर्सेटिलिटी, वास्तविकता दर्शाती है और वर्सेटिलिटी मतलब विविधताओं से पूर्ण होती है. सी वॉज फेमस फॉर कैप्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. मानवीय जटिलताओं की, मानवीय संबंधों की, ह्यूमन रिलेशंस की जो जटिलताएं हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनको कैप्चर करने में बहुत फेमस हैं. तो ज़रा इस पोएम में, चलो इस पोएम में समझने की कोशिश करते हैं व्हाट द राइटर इज़ ट्राइंग टू से. एंड आई थिंक आई शुड रिमूव द माई फोटो फ्रॉम हेयर बिकॉज इट कंज्यूम्स सो मच MB. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. ड्राइविंग करते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे पेरेंट्स के घर से. फ्रॉम माई पेरेंट्स होम मतलब मेरे पेरेंट्स के घर से. राइटर क्या कर रही है? ड्राइविंग कर रही है अपने पेरेंट्स के घर से. कहाँ के लिए ड्राइविंग कर रही है? टू कोचिन, कोचिन के लिए कर रही है. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की ये बात है. आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा. सी वाइल सी वॉज ड्राइविंग हर कार, सी सॉ हर मदर. उसने अपनी माँ को देखा. इट मीन्स हर मदर वॉज ऑल्सो विद हर इन दैट कार. उसके साथ थी उस कार में. बिसाइड मी हर मदर वॉज जस्ट सिटिंग जस्ट बिसाइड हर. उसके बगल में ही बैठी हुई थी कार में. और क्या था? डोज, उसकी माँ ऊँघ रही थी. ओपन माउथ, उसका मुँह खुला हुआ था नींद में. हल्की, डोज का मतलब होता है स्नैप. ठीक है, नैप, नैप मतलब हल्की नींद, ऊँघना जिसको बोलते हैं. बिसाइड का मतलब बगल में. ठीक है, कॉप्स का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है डेड बॉडी. एसन का मतलब वेरी पेल लाइक एस, राख के जैसे पीला. तो उसकी माँ का मुँह जो है खुला था. हर फेस एसन, उसका जो फेस था वो राख के जैसे था. मतलब हर फेस वॉज कलरलेस. द ब्राइटनेस एंड द ग्लो ऑफ हर फेस हैज़ गॉन. उसका जो चेहरे का ब्राइटनेस था और ग्लो था वो जा चुका था. दैट एंड लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. और उसका जो चेहरा था, जो फेस था, वॉज लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. तो लाइक और एस का जहाँ पे यूज़ किया जाता है कंपेरिजन के लिए, वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिली. ठीक है, एस, सॉरी, सिमिली, एस एस आई एम आई एल ई, उपमा अलंकार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, दो चीज़ों की तुलना की जाती है और लाइक एस का यूज़ होता है. तो उसकी माँ के फेस की जो तुलना है, एस एन लाइक जो उसकी माँ का फेस है, उसको एक डेड बॉडी से, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी से, कंपेयर किया गया है. एंड रियलाइज्ड विद, एंड आई रियलाइज्ड विद, इसका मतलब ये है कि आई रियलाइज्ड विद, मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया है. अब क्या एहसास हुआ है राइटर को, चलो देखते हैं. नेक्स्ट है दैट रियलाइज्ड दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. अब उसको ये एहसास हो गया है कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी है जितनी मुझे दिखाई दे रही है. इट मीन्स हर मदर वॉज एट द ट्वाइलाइट ईयर्स. ठीक है, अपने जीवन के ट्वाइलाइट का मतलब होता है एट द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ. हर मदर वॉज एट द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन की अंतिम अवस्था में है. इट मीन्स सी सी हैज़ अ फेयर
फियर दैट हर मदर माइट डाई एट एनी टाइम, उसकी माँ कभी भी मर सकती है, ठीक है। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थाट अवे, मैंने उस जो विचार, जो सैडनेस का विचार उसके माइंड में आया था उसको दूर रखा, एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और उसने बाहर देखा, लुकड आउट का मतलब बाहर देखा, एट यंग ट्रीज का मतलब जो यंग ट्रीज थे, छोटे छोटे पौधे थे, स्प्रिंटिंग का मतलब तेज़ दौड़ते हुए। अब जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो यंग छोटे छोटे पेड़ थे वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, द मैरी चिल्ड्रंस, और क्या देखा उसने, मैरी चिल्ड्रन, जब गाड़ी से बाहर देखा, और बाहर क्यों देखा कि सी वॉज ट्राइंग टू पुट दैट थाट अवे दैट हर मदर वॉज ओल्ड, ठीक है, कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, उस थॉट को दूर रखना चाह रही थी। तो और कुछ ने, और उसने ये देखा कि द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, जो छोटे छोटे बच्चे थे, मैरी का मतलब होता है वेरी हैप्पी, प्लीजेंट, ठीक है, आनंद में डूबे हुए बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक विरोधाभास दिखाने की कोशिश की गई है राइटर के द्वारा, कि एक तरफ उसकी माँ के मृत्यु को सिंबलाइज कर रही है, ऑन द अदर हैंड द स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, दे आर ट्राइंग टू शो दैट देयर इज़ लाइफ, देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज स्ट्रेंथ, ठीक है, ताकत है, हैप्पीनेस है और लाइफ है, दूसरी तरफ मृत्यु है एंड वीकनेस है, इसको दिखाने की कोशिश की गई है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन जो उसके थोड़ी देर बाद जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचे ड्राइविंग करते हुए, हर मदर, इट मीन्स हर मदर वॉज अलॉन्ग विद हर व्हेन सी वॉज गोइंग टू कोचीन, एंड हर मदर वॉज कमिंग देयर ऑन द एयरपोर्ट टू ड्रॉप हर देयर, ना, वहाँ पे उसको छोड़ने के लिए आई थी। तो आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी की चेकिंग होती है उसके बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे है शायद, इसके बाद एक फ्यू यार्ड्स अवे में अपनी माँ से खड़े होते हुए राइटर बोल रही है। अब देखते हैं आगे क्या कह रही है वो। आई लुकड एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग। अब अभी तक तो भूल गई थी, उसने ट्रीज़ को देखा, बच्चों को देखा, तो अपनी माँ के प्रति जो दर्द था उसके अंदर, उसको भूल गई थी। आई लुकड अगेन एट हर, मैंने फिर से उस पर देखा, वेन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है फीका, हर मदर वॉज वेन, इट मीन्स हर मदर वॉज वीक एंड सी हैज़ लॉस्ट ऑल हर स्ट्रेंथ, वो खो चुकी थी अपनी पूरी की पूरी जो ताकत थी, बिकॉज सी वॉज ओल्ड, सी वॉज ग्रोविंग, सी हैज़ ग्रोन ओल्ड, वो बूढ़ी हो चुकी थी, पेल उसका जो शरीर था वो पीला पड़ गया था, एज अ लेट विंटर्स मून, और यहाँ पे फिर से उसकी माँ को जो है कंपेयर किया गया एज का यूज़ करते हुए, तो सिमिली फिगर स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच का जो है फिर से यूज़ किया गया है राइटर के द्वारा, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, अपनी माँ को जो है लेट विंटर मून से जो है रात की जो देर की, विंटर की जो रात, विंटर मतलब सर्दियों की रात की जो मून होती है जिसका उजाला बहुत धीमा होता है, बिकॉज इट्स लाइट इज़ ओवरवेलम्ड बाय डार्कनेस मिस्ट एंड फॉग, जो ओवरशैडोड कर दिया जाता है इसकी लाइट को, ठीक है, इनके द्वारा, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, और मैंने महसूस किया, फेल्ट का मतलब महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एग, उस पुराने, फैमिलियर का मतलब परिचित, एग का मतलब पेन होता है, तो पुराना जो पेन होता था, कौन सा पेन था वो, माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का जो दर्द था, एंड व्हेन वी यूज़ टू बी इन आवर चाइल्डहुड, जब हम अपने बचपन में होते हैं, तो वी ऑलवेज हैड द फीलिंग दैट द फियर दैट वी शुड नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम आवर मदर, कि हमें जो है कहीं ऐसा ना हो कि अपनी माँ से अलग किया जाए, जब भी माँ बच्चे से दूर होती तो द चाइल्ड फेल्ट अ काइंड ऑफ फियर दैट ऑफ द सेपरेशन, मतलब अलग होने का एक भय उसके अंदर होता है। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन उसने सब छोड़ दिया, उसने चलो जो भी है, बट ऑल आई सेड, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी माँ को कहा वो था, सी यू सून अम्मा, मैं आपको जल्दी मिलूँगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज, जो मैंने सब कुछ, जो कुछ भी मैंने किया, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, दिस इज़ द रेपिटेशन, REPETION, रेपिटेशन का यूज़ किया गया, रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, एक ही वर्ड को रिपीट किया गया है बार बार। तो ऑल आई डिड वॉज स्माइल, उसने स्माइल किया, वो इसलिए किया कि सी एक्चुअली डिड नॉट वॉन्ट टू शो हर मदर दैट सी इज़
सैड कि वो दुखी है. एंड इन द सेम वे सी सिमिलरली सी वांट्स टू कन्वे अ मैसेज टू हर मदर दैट सी इज़ वेरी होपफुल दैट हर मदर इज़ वेल एंड सी विल वेरी सून मीट हर. वो बहुत जल्दी उससे मिलेगी. इस्माइल का मतलब है कि उसको एक तरफ से रिग्रेट भी हो रहा है. सी इज़ ऑल्सो फीलिंग रिग्रेट इन हर सेल्फ कि मैं अपनी माँ को इस बूढ़ी अवस्था में भी जो है साथ नहीं दे पा रही हूँ. ठीक है. एंड इस्माइल मीन्स है अगेन सी इज़ ट्राइंग टू शो हर ब्रेव फ्रंट, अपना जो मजबूत पक्ष है उसको भी दिखाने की कोशिश कर रही कि मैं जो है बहादुर हूँ, मतलब डर नहीं रही हूँ. एंड ऑन द अदर हैंड इस्माइल इज़ ट्राइंग टू से दैट कि उसको अभी भी होप है कि वो अपनी माँ को जीवित मिलेगी बिकॉज हर मदर इज़ एट द ट्वाइलाइट ऑफ हर ट्वाइलाइट ऑफ ईयर्स एंड सी माइट डाई एट एनी टाइम बिकॉज सी हैज़ ग्रोन ओल्ड. वो बूढ़ी हो चुकी है और इसलिए वो कभी भी मर सकती है. तो इसलिए यहाँ पर राइटर एक ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसको ये फियर है कि कहीं उसकी माँ मर ना जाए. लेकिन डेथ, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस इज़ द रियलिटी दैट डेथ एंड टाइम कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाई एनी बडी और एनी वन. किसी के भी द्वारा जो है मृत्यु और डेथ और टाइम को जो है स्टॉप नहीं किया जा सकता है. ठीक है, वो अपने हिसाब से गुजरता रहता है. तो इन दिस पोएम द राइटर इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस अ काइंड ऑफ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन अ डॉटर एंड अ मदर. ठीक है. और अब लिटरेरी डिवाइस की अगर बात करें तो इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उसको भी देख लेते हैं. लिटरेरी डिवाइस में द पोएम इज़ रिटन इन थ्री वर्ड्स मींस विदाउट एनी राइम एंड मीटर. इस पोएम में कोई भी राइमिंग वर्ड आपने देखा होगा नहीं यूज़ किया गया है. यूज़ ऑफ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का किया गया है, ये मैंने आपको बताया है. रेपिटेशन का यूज़ बताया गया है और एसोनेंस और कॉन्सोनेंस का भी यूज़ किया गया है. एसोनेंस का मतलब होता है जहाँ पे वोवल साउंड का रेपिटेशन होता है, और कॉन्सोनेंस का मतलब जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है एक सिंगल सेंटेंस में. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और जो बेल आइकन है प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट द न्यू आई विल मेक एनी न्यू वीडियो ऑन योर टेक्स्ट बुक ऑन योर चैप्टर्स तो आपको प्राप्त हो जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.